वेलकम टू सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्षित नागपुर है। मैं सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट से हूँ। तो दोस्तों, मेरा आज का ज्ञान उत्सव का टॉपिक है किडनी। किडनी एक एक्सक्रेट किडनी किडनी ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन। इसकी बात करा जाए तो ये बीन शेप्ड रहती है। ये रेडिश ब्राउन रहती है। फिर हम बात करेंगे किडनी के बारे में कुछ। किडनी 10 टू 12 सेंटीमीटर उसकी लेंथ रहती है, 2 से 3 सेंटीमीटर वो विड्थ रहती है और 5 टू 7 सेंटीमीटर वो थिक रहती है। किडनी का अगर वेट किया जाए, वेट ऑफ वन किडनी 120 से 170 ग्राम, वन किडनी का वेट किया जाए। किडनी की बात करें जाए तो किडनी में नॉच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हीलियम। हम बात करेंगे अब हीलियम की। हीलियम नॉच लाइक स्ट्रक्चर नॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये अपनी बॉडी किडनी के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये कॉनकेव रहता है शेप में। फिर बात करेंगे हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में इंक्लूड होगा ये दोनों कलर के रेड कलर का पाइप रिप्रेजेंट करता है, रीनल आर्टरी और ये रीनल वेन। और ये जो है ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं अपन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इसी किडनी में ही नॉच लाइक जो स्ट्रक्चर है ये उसको बोलते हैं हीलियम। फिर हम रीनल आर्टरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है अपने साथ। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और रीनल वेन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है उसको बोलते हैं अपन रीनल पेल्विस। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे अपन रीनल मेडुला। ये बाहर के स्ट्रक्चर आउटर सरफेस और जो अंदर का स्ट्रक्चर ये बाहर का स्ट्रक्चर मतलब ये और जो अंदर ऐसे ये है उनको बोलते हैं रीनल पिरामिड। फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ किडनी। किडनी
टाइप्स ऑफ किडनी में आता है लेफ्ट किडनी और एक आता है राइट किडनी, राइट किडनी। और टाइप्स रहते हैं, ये दो टाइप्स रहते हैं। लेफ्ट किडनी थोड़ी बहुत बड़ी रहती है एज कम्पेयर टू राइट किडनी। वही अगर हम बात करें तो राइट किडनी की, राइट किडनी इट इज स्मॉलर एज कंपेयर टू राइट किडनी, लेफ्ट किडनी। और एक तीन मेसोनर्मिक किडनी, मेसो नेफ्रिक किडनी। और इसके और टाइप्स रहते हैं, एक रेट्रोफिनल आर्टरी किडनी। किडनी के टाइप्स रहते हैं कुछ कुछ। फिर हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ किडनी। पहला फंक्शन होता है मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। इसका मतलब होता है कि अपनी किडनी का मेन फंक्शन होता है कि वो मेंटेन करता है वाटर और सॉल्ट को बॉडी के अंदर। इसको अपन बोलते हैं ऑस्मो, उसको बोलेंगे अपन ऑस्मो रेगुलेशन। सिंपली इसको ऑस्मो रेगुलेशन बोलेंगे। फिर नेक्स्ट फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ पीएच। थर्ड, इट हेल्प्स टू मेंटेन आयन। ये तीन फंक्शन, पहला है मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, इसको अपन दूसरे लैंग्वेज में बोला जाता है इसको ऑस्मो रेगुलेशन। फिर मेंटेनेंस ऑफ पीएच, ये अपनी बॉडी में हेल्प करता है मेंटेनेंस ऑफ पीएच आल्सो। फिर उसका तीसरा फंक्शन है इट हेल्प आल्सो परफॉर्म मेंटेन आयंस। फिर हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। पहले किडनी फेलियर, किडनी फेलियर इट मे बी ऑकर्स ड्यू टू स्मोकिंग और कंज्यूमिंग अल्कोहल। इसमें बोला गया मैंने किडनी फेलियर, किडनी फेलियर के मेन रीजन आता है पहला स्मोकिंग और कंज्यूमिंग अल्कोहल। नेक्स्ट आता है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। इसमें इन्फ्लेमेशन
ऑफ किडनी, जैसे किडनी है अपनी, किडनी है ये, किडनी है, इसमें सूजन आ जाती, इसमें से रेड रेड कलर के ऐसे स्पोर्स आएंगे, इसको बोलते अपन इन्फ्लामेशन ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी। थर्ड डिसीज के बारे में पढ़ेंगे, रीनल कैलकुलाई, इन दिस डिसीज सम इनसॉल्युबल मास लाइक स्ट्रक्चर अपीयर, एंड किडनी, जैसे ही अपनी किडनी है तो इसमें क्या है, ऐसे स्मॉल स्टोन लाइक स्ट्रक्चर्स, इसको बोलेंगे अपन रीनल कैलकुलाई। फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे बनेंगे ट्रीटमेंट विच हेल्प अस टू क्योर किडनी फेलियर डिसीज, किडनी फेलियर तो पहला है किडनी ट्रांसप्लांट, not consuming alcohols or smoking। पहला है किडनी ट्रांसप्लांट, इसमें जैसे ये बॉय है, इसकी किडनी ख़राब है, और ये भी बॉय है, इसकी किडनी अच्छी है, तो ये इसको किडनी ट्रांसप्लांट करेगा, तो इसको ही किडनी लेंगे साफ, किडनी ट्रांसप्लांट किडनी ट्रांसप्लांट कंडीशंस पढ़ेंगे फिर अपन। इसमें वो सेम ब्लड ग्रुप का होना चाहिए, सेम ब्लड ग्रुप, इसका मतलब है एक पर्सन है एक्स, दूसरा पर्सन भी, इसका ब्लड ग्रुप है ए तो इसका भी ए ही होना चाहिए, तो किडनी ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। अगर इसका इसका ए हो या और इसका ए है तो किडनी ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं है, तो किडनी ट्रांसप्लांट की कंडीशन रहती है कि सेम ब्लड ग्रुप RH भी सेम होना चाहिए। फिर दूसरा है नॉट टू कंज्यूम इन एल्कोहल स्मोक, मतलब अपन को एल्कोहल्स हो गए स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। थैंक यू भैया।